26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले तीसरे दीपोत्सव में भव्यता देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुट गया। वहीं योगी के तीसरे दीपोत्सव में जनसहभागिता की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित हो सके उसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसी को लेकर आज अयोध्या जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, वेद प्रकाश गुप्ता सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जनपद के समस्त समाज सेवी संगठनों के साथ दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। वहीं आपको बताते चले, दीपोत्सव को लेकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि दीपोत्सव का वृहद स्तर पर आयोजन होता है। इसमें अयोध्या की संस्कृति के अनुसार भगवान राम के अयोध्या आगमन का उल्लास पूर्ण ढंग से मनाया जाता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ आम जनता से इससे जुड़े और इसे अपने कार्यक्रम की तरह समझें, इसका प्रयास किया जा रहा है। वहीं रोटरी क्लब, परवाड़ी समाज, सिख समाज जैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ इसको लेकर बैठक भी की गई। सभी ने इसको अपनाने में हर्ष व्यक्त किया। बैठक में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर दीपोत्सव के साथ दीप दान के कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया। वहीं विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए सरकार संकल्प है। भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने जा रहे हैं। इस बार दीपोत्सव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में व्यापारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर LED वैन से दीपोत्सव का सीधा प्रसारण व राम के अयोध्या आगमन को लेकर एक विशेष तरह का गीत बजाए जाने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान व्यापारी नेता चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ कई व्यापारी नेता व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दीपोत्सव का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है अयोध्या में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अयोध्या को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया दीपोत्सव के माध्यम से, उसको इस बार और वैभवपूर्ण और गरिमापूर्ण और ओजस्वी और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे मनाएं और कैसे उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करें, समाज के हर वर्ग को उसके साथ कैसे जोड़ा जाए, आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था। आज हम लोगों ने यहाँ पर मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट, रोटरी क्लब, जेसीज क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, अग्रवाल सभा, इनर व्हील क्लब, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, व्यापार मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार सम्मानित पदाधिकारियों को बुलाया था इस नगर के, अयोध्या नगर के, और उन सब लोगों के बीच में हम लोगों ने, मैंने, जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे ATM सिटी, हम लोगों ने बात को रखा कि ये कैसे इस कार्यक्रम को पूरे जनपद में दीपोत्सव की जो हर्षोल्लास और खुशी है कैसे उसका मनाया जाए और कैसे समाज के लोगों को साथ जोड़ा जाए। तो शहर के अंदर कम से कम 40 से 50 जगहों पर दीपोत्सव की छटा निकलेगी। लोग स्वयं, ये जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये दीपोत्सव यहाँ भी मनाएंगे, दिए जलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, फुलझड़ी जोड़ेंगे, और इस तरह भगवान राम जिस तरह 14 वर्ष बाद लौटे थे अयोध्या में और अयोध्या के लोगों ने खुशी मनाई थी। दीपोत्सव जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जो अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है और जो उसमें अयोध्या की जो संस्कृति है और श्री राम के वापस आने की जो परंपरा है उसको उल्लासपूर्ण ढंग से इसको मनाते हैं। और पिछले 2 सालों से शासकीय कार्यक्रम भी बहुत बड़ा इसमें आयोजित होता रहा है, बहुत बड़े उत्सव के रूप में। प्रयास ये है कि इस कार्यक्रम से अधिक जो सामाजिक संगठन है हमारे, जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम की तरह अपनाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसको जितना अधिक से अधिक ब्रॉडवे हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें आज अयोध्या के जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे लॉयंस है, रोटरी है, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, उन सब लोगों के साथ बैठक हुई, जो व्यापारी हैं हमारे, हर वर्ग के जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं उनके साथ आज बैठक के बात हुई है। उन सब लोगों ने बहुत ही इसमें खुशी व्यक्त की और इसको अपनाने में उनको बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ। सब लोगों ने अपनी खुशी से उनके आसपास के जो भी स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, उनको चुना और दीपोत्सव के साथ साथ इन जगहों पर भी उस दिन जो है देवदान दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए आज जो है हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी है। और आपको जो है दीपोत्सव का पूरा इस बार एक्सटेंशन दिखेगा, पूरे यहाँ जनपद मुख्यालय से लेकर के और सरयू नदी तक हर जगह 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 आपको सार्वजनिक स्थल पर दीपोत्सव का आयोजन देखने को मिलेगा। तो उसकी पूरी जो है रूपरेखा बनाई गई है। देखिए, विदेशी रामलीला जो है हर साल होती है, इस बार भी होगी, और इतना ही नहीं, इस बार कई अन्य स्थलों पर जो रामलीला और अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन होगा, वो भी यहाँ जिला मुख्यालय से लेकर के
और सरयू नदी तक कई जगह आपको जो है सार्वजनिक खुले आकाश के मंच के नीचे जो है आपको दिखाई देगा होता हुआ, तो काफी अच्छे मतलब विदेशी भी है उसमें, देशी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। वो चल रही है उनकी प्रक्रिया और वो हायर लेवल से जल्दी ही उसको डिक्लेयर किया जाएगा।